नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो है अगेन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। अभी ये शादियों का सीज़न आने वाला है और बहुत सारे दोस्त हैं जो मेकअप की दुनिया में नए नए आए हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदें बाज़ार से अपनी मेकअप की किट को बनाने के लिए। क्योंकि जब हम बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं एक ही किस्म के अलग अलग ब्रांड्स की, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता था पहले, पर यहाँ पे आप आ चुके हैं। अब मैं आपकी हेल्प करूँगी आपकी मेकअप की किट को बनाने के लिए बिगिनर फ्रेंडली और सारी अफोर्डेबल ड्रग स्टोर वाले प्रोडक्ट्स को लेके। एक्चुअली जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी रोज़ाना की ज़िंदगी में मैं यूज़ करती हूँ। आपने उनका नाम मेरे वीडियोज़ में बहुत बार सुना होगा। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी मेकअप की बेसिक किट को कैसे बनाएं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। पर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली उम्दा किस्म की वीडियोस को आप मिस नहीं करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लें। सोशल मीडिया और बाकी सारी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ पर जाएँ मुझे फॉलो कर लें, मेरे दोस्त बन जाएँ। और अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सो यहाँ पे हमने मेकअप के प्रोडक्ट्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है फेस, देन है आईज, देन है लिप्स। सो उस हिसाब से मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती जाऊंगी और मेरे चेहरे पे लगाती जाऊंगी और आपको पता चलेगा कि हमने हर प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ किया है। सो हम लोग शुरुआत करेंगे प्राइमर के साथ। प्राइमर के लिए जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ये है निक्स का पोर फिलर। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ऑयली है और जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबली दिखते हैं। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा और आप जब फाउंडेशन लगाएंगे या बीबी क्रीम लगाएंगे वो बहुत फ्लॉलेसली लगेगी। यहाँ पे ये है कि आप है बिगिनर और आपको प्राइमर की दुनिया में खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो टोटली स्किप करें। यू नो, जब आप अपनी स्किन की अच्छी तरह केयर करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपको प्राइमर की इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। पर अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक पोर्स हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप प्राइमर यूज़ करें। अगली बारी है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे दो फाउंडेशन यूज़ किए हैं। अब बिकॉज़ मेबलिन का फाउंडेशन दुनिया में हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल होता है तो मैं मेरे फेवरेट मेबलिन के फाउंडेशन यूज़ करूँगी यहाँ पे। और दूसरी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये अफोर्डेबल है और इनकी कलर रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप यूज़ करें मेबलिन का फिट मी हाइड्रेट एंड स्मूथ फाउंडेशन, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्यूई एंड शाइनी एंड हेल्दी दिखाता है तो ये आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन है। पर अगर आपकी स्किन है ऑयली या पोर्स वाली तो आप इनका ट्राई करें मैट एंड पोरलेस, क्योंकि इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरा दिन रहता है और आपके पोर्स को ऑलमोस्ट वैनिश कर देता है। एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई भी है तब भी आप ये मैट एंड पोरलेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाता है। फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, पर मैं फ्यूचर में और वीडियोस भी इसके बारे में बनाने वाली हूँ तो चिंता मत करें, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो फाउंडेशन को लगाने के बाद अगला स्टेप है कंसीलर लगाने का। कंसीलर हम हमारे चेहरे पर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे स्कार्स को कंसील करने के लिए, हमारे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए और हमारे चेहरे को कॉन्ट्रोल करने के लिए। तो इसे मैं यूज़ करूँगी मेरे डार्क सर्कल्स को इरेज करने के लिए और उसी के साथ मैं यूज़ करूँगी इसे थोड़ा सा मेरे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। ये स्टेप को आप टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर बिकेज़ हम पूरी किट बताना चाहते हैं आपको तो ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती थी कि हम इससे क्या करेंगे। सो अगली बारी आती है हमारे फेस को सेट करने के लिए। पाउडर के लिए मैं रेकमेंड करूँगी निक्स का नो फिल्टर पाउडर। ये बहुत ब्यूटीफुल फिनिश देता है आपके चेहरे को और ये आपके मेकअप को कर देगा सेट। अगर आपने बहुत ही कम फाउंडेशन यूज़ किया है या बहुत ही लाइट बीबी सीसी क्रीम यूज़ की है तब भी अपने मेकअप को सेट ज़रूर करें ताकि वो सारा दिन वैसा ही रहे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चेहरे पे सारा कुछ एक ही जैसा लगना शुरू हो गया है फाउंडेशन एंड कंसीलर के बाद। अब बारी आती है फेस को कॉन्टोर करने के लिए। फेस को कॉन्टोर करना भी बहुत आसान रखें। मैं रेकमेंड करूँगी कि सिर्फ पाउडर यूज़ करें, उसी से अपना फेस कॉन्टोर कर लें नन्ना सा। अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो टोटली स्किप करें, पर अगर आप थोड़ा सा कॉन्टोर कर लेंगे तो आपके फेस में शेप आ जाएगी, थोड़ा वार्मथ आ जाएगी और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। सो इस काम के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ पैलेट्स जिसमें ब्लश भी हो, हाईलाइट भी हो और कॉन्टोर भी हो, क्योंकि उससे तीनों काम हो जाएंगे और आपको एक ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। और इसके लिए मैं मेबलिन की ये ट्रियो पैलेट रेकमेंड करूँगी क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फिनिश काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं और मुझे तीनों चीज़ें ही अच्छी लगती हैं।
सो आप ऐसा कुछ खरीद सकते हैं अगर आप अगर आप ब्लश पर्सन नहीं है तो ब्लश को स्किप कर दे, पर अगर आपको ब्लश लगाना अच्छा लगता है तो टाइनी सा ब्लश लगाएं, जो भी रंग आपको अच्छा लगे वो शेड लगाएं जिसमें शिमर नहीं हो, क्योंकि जो शिमरी शेड होते हैं वो आपके चेहरे में जो भी इम्परफेक्शन है उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसी पैलेट में से हाईलाइटर को लेके हम हाईलाइट कर लेंगे हमारे चेहरे को, हमें अलग से हाईलाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अलग से हाईलाइटर लेना चाहते हैं तो मैं मेबलिन का मास्टर क्रोम का मोल्टन गोल्ड रेकमेंड करूँगी, वो बहुत 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 अच्छी फिनिश देता है, अफोर्डेबल है अगेन, सो वो ज़रूर से ट्राई कर लें अगर आपको अलग से हाईलाइटर चाहिए। तो अब बारी आती है आइज़ की। आइज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं और हमें बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बहुत बेसिक सी न्यूड सी दिखने वाली पैलेट खरीदें। अगर आपको कूल टोन्स अच्छे लगते हैं तो कूल टोन्स न्यूड लें, अगर आपको वार्म अच्छे लगते हैं तो वार्म लें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, और यकीन मानिए कि यही आपकी आंखों के लिए सबसे बेस्ट है और इसी से आपकी मेकअप लुक बेस्ट दिखेगी। जब आप अच्छी तरह प्रो हो जाएंगे तो फिर कलर्स के साथ प्ले करें, पर यू नो आप नोटिस करेंगे कि प्रो लोग भी न्यूड्स के साथ ही प्ले करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट शेड्स हैं आज की दुनिया में। सो उसके लिए जो मैं पैलेट रेकमेंड करूँगी वो है निक्स की लिड लेंजरे पैलेट, जिसका नंबर है LLS P01। ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड हैं, सो इसी से हम हमारी आई को बिल्ड करेंगे। अगर आप पैलेट नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी आई की लिड पे बेसिकली सिंपल सा ब्राउन्जर ही यूज़ कर सकते हैं। सो अब बारी आती है काजल लगाने की। काजल के लिए आप अपना फेवरेट शेड यूज़ करें, ब्राउन, ब्लैक या जो भी, मुझे अच्छा लगता है न्यूड यूज़ करना। और मेरे फेवरेट है ड्रग स्टोर से रिमल लंडन के सुपर एग्जैजरेट और स्कैंडल आइज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, जब आप अपनी वाटर लाइन पर लगाते हैं तो एंड तक वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल मूव नहीं होते, तो ये ज़रूर से ट्राई करें, अनदर अफोर्डेबल ऑप्शन फ्रॉम ड्रग स्टोर। और अब बारी आती है आईलाइनर के लिए। आईलाइनर मैं यूजली नहीं लगाती हूँ, पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये लॉरियल का लाइनर बहुत ब्यूटीफुल है और इसकी फेल्ट टिप है जिसकी वजह से इसको लगाना बहुत आसान है। सो ये है लॉरियल पैरिस से कार्बन ब्लैक लाइनर इंटेंस। सो ये वाला लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, पर बिकॉज मैं लाइनर लगाना इतना पसंद नहीं करती हूँ तो हम इसको स्किप कर देंगे। सो अगला स्टेप है मस्कारा लगाने का। मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपकी आईज़ को फिनिश लुक देता है। उसके लिए मुझे मेबलिन का लेस सेंसेशनल लगाना बहुत अच्छा लगता है। सो अब बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रोज को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करें। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एसेंस की आईब्रो जेल। ये प्रोडक्ट आपको एक्चुअल में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास अवेलेबल कोई भी डार्क आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो मैंने आपको पैलेट रेकमेंड की उसमें भी एक डार्क ब्राउन है, या जैसे भी आपके बालों का रंग है उससे मिलता जुलता आईब्रो का आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे जेल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उससे फिनिश बहुत अच्छी आती है। सो अब बारी आती है लैशेस की। आप सोचेंगे कि ये बिगिनर की वीडियो है और लैशेस की बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लैशेस की बात करेंगे क्योंकि लैशेस आपके लुक को बहुत डिफरेंट बना देती हैं। पर अगर आप लैशेस लगाना चाहते हैं तो शौक से लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इट्स ऑल कूल। सो आजकल जो मैं लैशेस यूज़ कर रही हूँ उनका नाम है सिमोर लैशेस। यस, ये मेरी लैशेस हैं और मैं यूजली जो स्टाइल यूज़ करती हूँ वो है टोरंटो या फिर मुंबई या चेन्नई, पर जब स्पेशल ओकेजन्स आते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ पंजाब या लाहौर। मेरे पास 6 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल्स हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो हम वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे आपको हमारी लैशेज़ मिल जाएंगी। और ये बहुत ब्यूटीफुल 3D मिंक लैशेज़ हैं, अगर आप चाहते हैं तो लैशेज़ पहने, पर ये ज़रूरी स्टेप नहीं है। आप चाहते हैं जानना कि लैशेज़ को आसान तरीके से कैसे पहने तो वो वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है, मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँ तो आप डायरेक्ट जाके उसे देख लें। अगर आप मेरी लैशेस को ख़रीदना चाहते हैं सो उसकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर से जाएं और लैशेस को ख़रीदें, प्यारी सी लुक को और ग्लैमरस बना लें, बिकॉज मैं हमेशा लैशेस पहनना पसंद करती हूँ तो मैं लैशेस पहनने के बाद वापस आती हूँ। सो अब बारी आती है लिप्स की। लिप्स के लिए सभी लोगों के चॉइसेस अलग हो सकती हैं। सो सभी के पास एक न्यूड लिप लाइनर होना चाहिए जिसको आप किसी भी लिपस्टिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपके पास होनी चाहिए एक न्यूड लिपस्टिक, जो भी शेड आपकी स्किन के साथ अच्छा जाता है और आपको लगता है कि ये आपकी स्किन पे ब्यूटीफुल दिखता है, क्योंकि हर एक न्यूड हर एक स्किन के लिए नहीं होता है।
और दूसरा आप शेड चूज़ कर सकते हैं पिंक, अगर आपको पिंक अच्छे लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट शेड है रेड। रेड हर एक की मेकअप किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उन खास दिनों के लिए जब आपको बहुत ही ग्लैम अप दिखना है। बेशक आपकी आंखें बहुत ही बेसिक हो, अगर आपने रेड लिप्स लगाया है आप लगेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिटी, सो आपके पास एक रेड ज़रूर होना चाहिए। सो जो लिप लाइनर मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है मिलानी का मोस्ट नेचुरल लिप लाइनर। और न्यूड लिपस्टिक जो मुझे अच्छी लगती है और ब्राउन स्किन पे बहुत अच्छी जाती है वो है मिलानी की 69 नंबर, जो कि मैट लिपस्टिक है। रेड के लिए मुझे रिमल लंडन की ये केट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये मैट है। और इसका नंबर है 111 किस ऑफ लाइफ, ये बहुत ब्यूटीफुल रेड शेड है। पिंक के लिए मुझे अच्छी लगती है ये लिक्विड लिपस्टिक। आप लिक्विड लिपस्टिक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और इनकी खासियत है कि ये आपके चेहरे पे सारा दिन रहती हैं। तो ये है रिमल लंडन की स्टे मैट लिक्विड लिप कलर, उसका नाम है रोजारो। ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है, मोस्टली हर दिन मैंने यही पिंक पहना होता है किसी भी न्यूड लिप लाइनर के साथ। सो अपने मेकअप को सारे दिन के लिए सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। सेटिंग स्प्रे मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रग स्टोर से, वो है मेबलिन की मास्टर फिक्स बाय फेस स्टूडियो। बहुत अच्छी स्प्रे है ये, आपके फेस मेकअप को लॉक कर देती है एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है। कमेंट बार में अपने कमेंट ज़रूर बताना क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, और अगर आप लैशेस के लिए इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से उस पर जाएँ और मेरी लैशेस को खरीदें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, बाय। लालू लालू।